नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नोटिफिकेशन में बता दिया है कि विंटर वेकेशन यानी कि सर्दियों की छुट्टियां 2023-24 शैक्षिक सत्र में कब होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। तो इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि जो सर्दियों की छुट्टियां होती हैं वे आमतौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक होती हैं, लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से इस बार बच्चों को सर्दियों की छुट्टियां पहले कर दी गई जो कि 9 नवंबर से 18 नवंबर तक की गई। अब यह देखते हुए कि सर्दियों की छुट्टियों को पहले कर दिया गया है, बची हुई छुट्टियों को शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए 1 जनवरी जो कि है सोमवार से 6 जनवरी जो कि है शनिवार तक किया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूल के जो हेड्स हैं उन्हें इस बात की जानकारी दी जाती है कि वे सभी को जो टीचर्स पढ़ा रही हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स के थ्रू SME मेंबर्स मास SMS फैसिलिटी SMS के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से और अलग तरीक़ों के माध्यम से यह जानकारी दे दे। साथ ही इस संबंध में यह जो इशू जो आदेश है ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है अप्रूवल के द्वारा। तो फिर से आपको एक बार बताना चाहूंगी, क्योंकि संबंध में जानकारी लेकर आ चुकी हूं, फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि 1 जनवरी से 6 जनवरी अब बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां होगी, यह कम कर दी गई है, वजह आप सभी को पता है। उम्मीद करती हूं यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करोगे ताकि उन्हें भी इस संबंध में जानकारी मिलेगी। दाखिलों संबंधित, स्कूली शिक्षा से संबंधित, सरकारी योजनाओं से संबंधित, महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और सबकी शिक्षा के द्वारा दी जा रही जानकारी का लाभ उठाएं। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।